अब बात पप्पू यादव की दुविधा पर शुरू हुई पॉलिटिकल सटायर की। दरअसल लॉरेंस को खुली चेतावनी देने के बाद से पप्पू यादव लॉरेंस गैंग की धमकियों का सामना कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की अपील भी की और अब पप्पू यादव के घर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी तंज किया है। धमकी दी है तो झेलो भी। फोन कर रहा है और तूने फोन ना उठाया। फिर आ गया फोन मलेशिया से, सुना रहे। लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी का ऑडियो सामने आया तो पप्पू यादव को भी अपनी जान की फिक्र हुई। तो सांसद पप्पू यादव केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और पप्पू यादव की सुरक्षा की मांग पर राजनीतिक तंज का सिलसिला शुरू हो चुका है। पप्पू यादव की सिक्योरिटी डिमांड पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तंज कसा और चुटकी ली। अब बहुत बड़े बाहुबली है, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांग लेंगे सुरक्षा, क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू यादव बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब सिक्योरिटी मांगने लगे हैं। फैशन हो गया है किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। पप्पू यादव की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अगर बयान दिया है तो झेलो, जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ टिप्पणी करता है उसके लिए कानून तय होना चाहिए कि उसको जीवन में कभी भी सरकारी सुरक्षा ना मिले। देखिए, मेरा व्यक्ति से नहीं है, मैं देश के हर उस व्यक्ति की बात करता हूं जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है, गलत टिप्पणी करता है, उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरक्षा ना मिले। आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी। कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे छोटे अपराधी के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर वो खत्म कर देंगे। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें लॉरेंस गैंग से धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।